शाहिद कपूर की ब्लडी डैडी ये फिल्म जियो सिनेमा पे रिलीज हो चुकी है, जिसे आप लोग फ्री में स्ट्रीम कर सकते हो। इवन आप लोग डाउनलोड भी फ्री में कर सकते हो, बस आपका इंटरनेट लगेगा। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि इस फिल्म को OTT पे रिलीज करने की बजाय थिएटर्स में रिलीज क्यों नहीं किया। जो भी है, जियो सिनेमा तो जियो सिनेमा पे सही, लेकिन जब हम लोगों ने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था तो थोड़े बहुत इस ट्रेलर को देख के हमें जॉन विक वाली वाइब्स आ रही थी, क्योंकि ट्रेलर में इस फिल्म का टोन और एक्शन थोड़ा बहुत जॉन विक जैसा ही लग रहा था और फिल्म में भी वैसा ही कुछ है। यानी इन लोगों ने ब्लडी डैडी इस फिल्म के एक्शंस को जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रखने की कोशिश की है, और ये फिल्म ओवर द टॉप एक्शंस से तो कोसों दूर है। जेन्युइनली इस फिल्म की मुझे ये बात सच में बहुत अच्छी लगी। इवन इस फिल्म में शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है वो भी इस फिल्म में मार खाता है। यानी ऐसा समझ लो, फिल्म का ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी हर जगह से लगी हुई होती है और उसके स्ट्रगल्स को देख के हमें सच में मजा भी आता है। बट ये भी मत भूलना कि ब्लडी डैडी ये फिल्म एक फ्रेंच फिल्म का रीमेक है। वैसे तो मैं हमेशा रीमेक्स के खिलाफ रहता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म का रीमेक है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, जिसकी वजह से ये ठीक है, चल जाएगा। अगर स्टोरी वाइज इस फिल्म को देखा जाए तो सच में इस फिल्म की स्टोरी बहुत जबरदस्त है। यानी इस फिल्म की स्टोरी ने सच में मुझे सरप्राइज किया। इस फिल्म की स्टोरी जिस प्लॉट के अराउंड रिवॉल्व करती है वो प्लॉट भी इंटरेस्टिंग है, और शाहिद कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में जो कुछ भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है उसका भी रीजन है। लेकिन वो रीजन क्या है मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन लोगों ने इसके ट्रेलर में भी ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया था। वैसे अगर देखा जाए तो इस फिल्म की स्टोरी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एक ही दिन की है। जी हाँ, ये फिल्म सुबह स्टार्ट होती है और रात आते आते तक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है और रात में ही खत्म हो जाता है, और यही चीज इस फिल्म की सच में इंटरेस्टिंग है। और अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो ट्रेलर से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस फिल्म में जो कुछ भी हो रहा है वो आटे की पुड़िया के लिए हो रहा है। लेकिन इस सारे झमेले में शाहिद कपूर का कैरेक्टर क्यों फंसा है ये जानने के लिए तो आप लोगों को फिल्म देखनी पड़ेगी। और हाँ, इस फिल्म की एक और खास बात यह है कि इस फिल्म में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म में हमें केओस फील होता है। यानी इन कैरेक्टर्स के आपस में कनेक्शंस और कंफ्यूजन्स, इसकी वजह से इस फिल्म की इंटेंसिटी और भी बढ़ जाती है। और मजाक नहीं, इस फिल्म में एक्टर्स ने तो बहुत जबरदस्त काम किया है। खासकर इस फिल्म के तीन कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इस फिल्म की जान है, जिनमें से सबसे पहले है इस फिल्म के लीड एक्टर यानी शाहिद कपूर। वैसे इनकी एक्टिंग के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस फिल्म में हम इनके हर एक इमोशन को फील कर पाते हैं, चाहे वो डर हो, कंफ्यूजन हो या फिर गुस्सा हो, इनके हर एक इमोशन को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर किया है। और इनके बाद जो दो और एक्टर्स है वो है रोहित रॉय और संजय कपूर। सच में ये दोनों ही एक्टर्स जो कि इस फिल्म के विलन है, इन्होंने इस फिल्म में जान डाल दी। लेकिन इन एक्टर्स के अलावा इस फिल्म में और दो एक्टर्स है, जिनमें से एक है डायना पेंटी। तो इनका इस फिल्म में ज्यादा रोल तो नहीं था, लेकिन जितना भी रोल था उसमें इन्होंने अच्छा काम किया है। और दूसरे है राजीव खंडेलवाल, जिनका कैरेक्टर इस फिल्म में मुझे ठीक ठाक लगा। यानी ज्यादा स्टैंड आउट भी नहीं कर रहा था और ज्यादा खराब भी नहीं था। और इस फिल्म के BGM की बात करूं तो सच में इस फिल्म का BGM बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगर सॉन्ग्स की बात करूं तो सॉन्ग्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। वैसे भी इस फिल्म के सॉन्ग्स बैकग्राउंड में ही बजते हैं, लेकिन ऐसा इस फिल्म में कोई भी सॉन्ग नहीं है जो स्टैंड आउट कर जाए या फिर फिल्म देखने के बाद भी आप लोगों को याद रहे। अब देखो, इसके अलावा इस फिल्म में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी है, जिसकी वजह से फिल्म तो खराब नहीं होती, लेकिन अभी जैसी फिल्म है उन प्रॉब्लम्स पे अगर इन लोगों ने ध्यान दिया होता तो ये फिल्म इससे भी बेहतर हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने कहा था कि इस फिल्म के एक्शंस को इन लोगों ने ग्राउंडेड रखने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो एक्शंस हमें बिलीवेबल और रियल फील होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं एक्शंस के वक्त इन लोगों ने जो एडिटिंग की है या फिर जो कट्स लगाए हैं, उसकी वजह से वो एक्शंस थोड़े से चौपी फील होते हैं। यानी ऐसा समझ लो कि इनकी इमेजिनेशन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। और यही सेम चीज इस फिल्म की स्टोरी पे भी लागू होती है, जहाँ पे इन लोगों ने इतने सारे कैरेक्टर्स के बीच केओस क्रिएट करने की कोशिश की है, जो स्टार्टिंग के एक घंटे में तो अच्छा था, लेकिन लास्ट के एक घंटे में वो भी चौपी हो गया। और हाँ, इस फिल्म का नाम ब्लडी डैडी है, जिसकी वजह से अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि इस फिल्म में हमें बहुत सारा वायलेंस देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी नॉर्मल लेवल का ही है, कोई R-rated वाला नहीं है। एक और चीज है जिसके बारे में मैं बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन वो स्पॉइलर हो जाएगा क्योंकि इन लोगों ने वैसे भी ट्रेलर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है। यानी ऐसा समझ लो कि इस फिल्म में इन लोगों ने इमोशंस को भी ऐड करने की कोशिश की है, जो इस फिल्म में उतने फील नहीं होते। बट हाँ, इस फिल्म में जो शाहिद कपूर का कैरेक्टर है वो जैसे हमें ट्रेलर में बैडएस लग रहा था, वैसा ही बैडएस वो फिल्म में भी है। यानी वो फिल्म में एक्शंस तो करता है, लेकिन दिमाग का भी यूज करता है, और उसे एक्शंस के साथ ही दिमाग का भी यूज करते हुए देख के मजा आता है। सो हाँ, अगर इस फिल्म को ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर उन्हें इग्नोर करते हो तो फिल्म आप लोगों को सच में पसंद आएगी। और एक बात, इस फिल्म में गालियां भी है, और वो भी बहुत गंदी गंदी, जिसकी वजह से इस फिल्म को फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते। सो हाँ, इस फिल्म को देख के मेरे तो यही ओपिनियंस थे। वेल, आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर आप लोगों को इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, कल मैंने ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट इस फिल्म का भी रिव्यू किया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, टैप करो और देख लो। सो मिलता हूं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।